हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर आज है, आज की डेट में डेट इसका ख़त्म हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि नया अपडेट आया है और अपडेट ये आया है कि अब इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, जो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से। ठीक है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सी डेट कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो लाइक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर अभी जारी किया गया है 7 नवंबर को जारी किया गया है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो दूसरा चरण है उसकी समय सारणी निर्गत की जा रही है। राइट, इसमें कौन कौन सी जो छात्र हैं वो उनके लिए डेट बढ़ रही है वो ये देखना है कि इसमें कक्षा 9 और 10 के बच्चे और 11 और 12 के जो बच्चे हैं और अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है द्वितीय चरण की समय सारणी निर्गत की जानी है। ठीक है, निर्गत कर दी गई है, उसी की हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे छूट गए हैं किसी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो उनको दृष्टिगत करते हुए जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये क्योंकि लेटर अभी पिछला वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया, लेकिन ये केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं SC ST जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम डेट होगी। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो डेट्स हैं वो केवल OBC के लिए नहीं, ये SC ST OBC जनरल सभी के लिए ये डेट्स कॉमन होंगी। ठीक है, नई डेट के अनुसार जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको जो मास्टर डेटाबेस है उसको अपडेट करने के लिए जो उनकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, अब ये हो गई है 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि जो भी संस्थाएं हैं जिन्होंने अभी तक मास्टर डेटाबेस ही अपडेट नहीं किया था उनको मौका मिला है 31 दिसंबर तक अपना मास्टर डेटाबेस अपडेट करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे जो हम आपके और हमारे जानकारी की बात है वो है स्टूडेंट्स कब अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक। ठीक है, तो इस सेशन में जो भी क्लास 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे थे उनको जो उनकी जो डेट थी वो अब बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है 2025। ठीक है, 21 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी तक ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिप्लोमा की बात करें या और जो हायर एजुकेशन है उनकी बात करें तो उनकी जो लास्ट डेट थी वो थी 20 नवंबर। ठीक है, यानी कि आज, लेकिन अब ये जो सेकेंड फेज़ है उसमें ये डेट एक्सटेंड हो गई है, ये डेट हो गई है 21 नवंबर से लेकर 15 जनवरी 2025 तक। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए थे उनकी जो उनको अप्लाई करने का अब काफ़ी समय मिल गया है। ठीक है, दैट मीन्स 21 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए थे, लाइक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया होगा या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया होगा, तो वो लोग अभी अप्लाई कर दें और 15 दिन बाद अपना स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर जब 15 जनवरी तक बच्चे फॉर्म जमा कर देंगे उसके बाद जो संस्थाएँ होंगी, ठीक है, उन संस्थाओं को काम क्या करना होगा, सारे छात्रवृत्ति जब आवेदन होंगे उनको सत्यापित करना है और फॉरवर्ड किया जाना है, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जनवरी 2025 तक। हालांकि ये छात्रों के संबंधित नहीं है, स्टूडेंट्स को बस ये ध्यान रखना है कि 15 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, उसके बाद जो संस्थाओं को 18 जनवरी तक सारे फॉर्म जो होंगे वो फॉरवर्ड कर देने होंगे। अब अगर बात करें कि जो बच्चे गलत फॉर्म भर देंगे, गलत एंट्री कर देंगे, तो उनका करेक्शन वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन करने के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए जो डेट है वो ये है कि वो 27 जनवरी तक
अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, 27 जनवरी तक अपना करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी ऐसे फॉर्म हैं जिनमें कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं, उनमें छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाएगा और फिर वो बच्चे उस फॉर्म को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षा संस्थान को उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे सभी अभिलेखों सहित, और फिर 27 जनवरी इस करेक्शन की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो ऐसे जो फॉर्म जो करेक्ट होके आए होंगे दोबारा से, उनको संस्थाओं द्वारा दोबारा से वेरीफाई करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और उसकी लास्ट डेट रहेगी 1 फरवरी 2025, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो आपको ध्यान रखना है, राइट। मतलब आपको फॉर्म अब भरने की जो लास्ट डेट हो गई वो है 15 जनवरी, संस्थाओं को फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट हो गई 18 जनवरी, और फिर करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है 27 जनवरी, और करेक्टेड जो फॉर्म है उनको फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट है 1 फरवरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, सारे फॉर्म अच्छे से ठीक से प्रॉपर ढंग से उनको भरिए, ठीक है, और उसके बाद भरने के बाद सबमिट करिए, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जो लोग अभी इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।